नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आपको ये तो पता ही होगा कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को सीबीआई की प्रारंभिक जांच में कथित तौर पर क्लीन चिट मिलने वाली रिपोर्ट पर लीक होने के मामले में उनकी भूमिका की जांच हो रही थी और अब कोर्ट ने इस चीज पर भी सीबीआई जांच बिठाने के निर्देश दे दिए हैं। यानी कि अब अनिल देशमुख चौतरफा फंस चुके हैं। यानी कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की सीबीआई के प्रारंभिक जांच पर जो क्लीन चिट मिलने वाली थी वो लीक होने के कारण उन पर फिर से एक बार सीबीआई का शिकंजा कस चुका है और कोर्ट का भी शिकंजा कस चुका है। सूत्रों की माने तो जो न्यायाधीश संजीव अग्रवाल हैं उन्होंने कहा है कि सीबीआई गाड़ी खींचने वाले इंजन या घोड़े को छोड़कर केवल उसमें सवारी करने वालों पर ही आरोप लगा रही है, बल्कि हकीकत यह है कि इंजन या घोड़े द्वारा खींचे बिना गाड़ी की सवारी संभव नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, कोर्ट ने आदेश में यह कहा है कि सीबीआई ने आरोप पत्र में भले ही देशमुख को आरोपित नहीं बनाया है, लेकिन वह बड़े षड्यंत्र के मास्टरमाइंड हो सकते हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं, जितना भी वसूली कांड था वो सब अनिल देशमुख के मत्थे मर दिया गया था। इसका मतलब कहीं ना कहीं अनिल देशमुख इसमें बुरी तरह से फंसे हुए हैं और जो रिपोर्ट लीक होने वाली बात है वो उसमें शामिल हो सकते हैं। इसीलिए सीबीआई ने उनको आरोपित किया है और जज का भी यही कहना है कि हो सकता है वो बड़े षड्यंत्र के मास्टरमाइंड हों। जैसा कि क्योंकि प्रारंभिक जांच अगर लीक होती है तो उससे सबसे बड़ा फ़ायदा अनिल देशमुख को ही होने वाला है। आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे ज़रूर लिख के बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।